एक नीचे जो मेरा रास्ता है सुरेश भाई, पहले तो मेरे को माफ करना आप, मैंने थोड़ा सा थैला हिलाया। मैंने थैला इसलिए हिलाया कि अगर इसमें कोई रास्ता होता तो आप कहीं से भी बाहर आ सकते थे। इसका मतलब थैला इतना हिलाने के बाद भी आप बाहर नहीं आए, इसका मतलब इसमें बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। उस परमात्मा के पास जाने का एक ही रास्ता है जहाँ से मारते हैं। हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अगर बुरे कर्म करते हैं तो इसी दुनिया के अंदर भटकना पड़ता है। इसके अंदर आपको बंद नहीं करेंगे, इसके अंदर हमारी सहयोगी जादूगरनी योगिता इसके अंदर जाएगी। अब आपका काम बाकी हो। देखिए, जब भी हम पढ़ाई करनी है या तपस्या करनी है, मंत्रों की सिद्धि करनी है, कमरे के अंदर बैठ कर करनी है। हमारे पास कमरा नहीं है, ये छोटी जादूगरनी योग्यता एक कमरे के अंदर बैठ के यहाँ पर मंत्र पढ़ेगी। और यहाँ कमरा नहीं है, कपड़े का छोटा कवर लगा देते। अब आप पापा के बजाय बजा पैसा बोलू तो आप मेरी गर्दन पकड़ लेना। एक दो तीन बोलेंगे, तैयार आप? एक दो और सुरेश भाई, मारवाड़ी माफ ना समझो, तारी गर्दन होड़े पकड़ लो। क्यों मैं मार लुके रहा? एक एक ही जो मैं एक एक ही जो मार लुके रहा। हां तैयार चलना रो। एक दो और
और आ छोटी जादूगरनी है इन नाम योग्यता कितने टीवी चैनल में ना प्रोग्राम होवे
छिलकते जादू नगरी का माया जा thank you.
दिखाने जा रहे हैं।